दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट में पहले पायदान पर पीएम मोदी। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ पीएम मोदी नंबर वन। पुंछ में आतंकी हमले में एसटी की बम के इस्तेमाल के मिले सबूत। सेना की गाड़ी पर बम प्लांट करने के बाद आतंकवादियों ने की थी 36 राउंड फायरिंग। इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज। अतीक मर्डर केस में पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर। मर्डर के प्लान में 3 नहीं 5 आरोपी शामिल थे। होटल से मिले आरोपियों के 2 मोबाइल फोन। ई रिक्शा से आरोपियों ने की थी रेकी। वारदात से पहले फेंका था सिम कार्ड। कमरा नंबर 203 में रुके थे शूटर। कमरा नंबर 203 से पुलिस ने 2 मोबाइल भी बरामद किए हैं जिनमें सिम नहीं है। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में नाबालिग लड़की की मौत पर बवाल। पीड़ित परिवार से मिले बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार। बीजेपी ने घटना का वीडियो जारी किया। बीजेपी बोली रेप के बाद हत्या के सबूतों को मिटाने की हुई कोशिश। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकारी बंगला खाली किया। लोकसभा की सदस्यता जाने के बाद छोड़ा बंगला। अधिकारियों को सौंपी चाबी। अंतरिक्ष में भारत का नया कीर्तिमान। इसरो ने पीएसएलवी C-55 के साथ सिंगापुर के 2 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे। दोनों सैटेलाइट निर्धारित कक्षा में सफल तरीके से स्थापित। नए सीजफायर समझौते के बाद भी नहीं थमा सूडान में गृह युद्ध। खार्तूम में हमलों से बिगड़े हालात। अब तक 413 लोगों की मौत की खबर। आज देश भर में मनाया जा रहा है ईद का त्यौहार। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी ईद, अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती की बधाई। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर वन भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे उनकी आवाज निडर होकर उठाता है। लोगों की नंबर वन पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर वन न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में नाबालिग लड़की की मौत पर बवाल हो गया और ये बवाल हिंसक झड़प में बदल गया। आरोप ये है कि वहां एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद वहां लोग प्रदर्शन कर रहे थे और इसी प्रदर्शन में बवाल हो गया। 2 गुट आपस में भिड़ गए, जिसके बाद वहां पहुंचे पुलिस ने किसी तरह से मामले को शांत कराया। लेकिन उपद्रव कर रहे लोगों ने नहीं माना और नाबालिग की हत्या के विरोध में आगजनी करने लगे।